हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ लेसन सेवन ऑफ एट्थ क्लास अ विजिट टू कैम्ब्रिज दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल एज वी नाउ से यह कहानी दो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते उन लोगों की मीटिंग के बारे में है जो लोग दोनों ही हैंडी थे उनमें से एक थे स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम स्टीफन हॉकिंग महान वैज्ञानिकों में से एक थे ही सफ़र्स from अ फॉर्म ऑफ पैरालिस दैट confines हिम टू अ व्हील चेयर एंड अलाउज़ हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन अ कम्प्यूटर वह एक तरह के पैरालिस पैरालिस होता है लकवा उस लकवा से पीड़ित थे जिसकी वजह से वह सिर्फ़ व्हील चेयर तक ही सीमित थे और वो कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोल सकते हैं फिरदोस विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस जो कि उसके लिए मशीन जैसी आवाज में बोलता है सेकेंड कैरेक्टर है फिरदोस कांगा फिरदोस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई फिरदोस कांगा एक राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं जो मुंबई में रहते हैं और वहीं काम करते हैं कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड कांगा बचपन में उनकी ये देखो ब्रिटल बॉन्स मतलब बहुत ही कुरु सी हड्डियाँ थीं जब वो बचपन में छोटे थे तो उनकी हड्डियाँ बड़ी आसानी से टूट जाया करती थी द टू ग्रेट मैन एक्स एक्सचेंज टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर और ओन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द दबल्ड हॉकिंग की तरह जो कांगा थे वो भी व्हील चेयर पर ही इधर उधर घूमते थे कैम्ब्रिज वॉज और दोनों जो दोनों ही महान लोग इसी बारे में अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर करते हैं कि व्हील चेयर पर बैठे रहने से जीवन जीने का क्या अर्थ है मतलब क्या मीनिंग है और जो नॉर्मल कहे जाने वाले लोग हैं उन उन लोगों को असमर्थ लोगों के बारे में वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं क्या रिएक्शन करते हैं कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वैन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टूगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेड स्टीफन हॉकिंग दे कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का एक मेटाफर है रूपक था और ये बड़ा ही अजीब था जब मैंने मैं वहाँ से चला तो वह मेरे लिए कुछ और बन गया था क्योंकि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला था एस्ट्रोफिजिस्ट इट वॉज़ ऑ ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसएबल्ड नाउ दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइसैक न्यूटन हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी कहता है जब मैं कैम्ब्रिज में पैदल चल रहा था तो गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के नाम के बारे में बताया एक बेचारा आदमी जो कि बिल्कुल ही असमर्थ था और वह इसाक न्यूटन का उत्तराधिकारी था मीन्स कहने का मतलब है कि वो उसी की चेयर पर यूनिवर्सिटी में वो उसी की कुर्सी पर बैठा था मीन्स उसी की पोस्ट पर था एंड आई स्टार्टेड बिकॉज़ आई हैड क्वाइट फॉर दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम वन ऑफ़ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हेयर और मैं चल दिया क्योंकि मैं भूल गया था कि वह बहुत ही प्रतिभाशाली और पूरी तरह से जो पैरालाइज्ड हुआ हुआ है ऐसे एक एस्ट्रोफिजिस्ट मिस खगोल भौतिक शास्त्री जिसने ये बुक लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो इसके राइटर थे और ये बुक अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन आई रश्ड टू अ फोन बूथ जब मैं वॉकिंग डिस्टेंस मतलब जब मैं पैदल चल चुका था तब मैं एक टेलीफोन बूथ पर गया और एंड ऑलमोस्ट टियरिंग द कोड, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड और तार को खींचा ताकि वो मेरे तक पहुंच जाए फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया देयर वॉज हिज़ असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम दैट आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया टेलीफोन जब मैंने फ़ोन किया तो उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और मैंने उसे बताया कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ पर हैप्स ही I आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे शायद उसने ये सोचा कि मैं खुद अपने हाथों से कुर्सी चलाकर अपनी व्हील चेयर खुद इंडिया से आया हूँ टू राइट अबाउट माई travels इन ब्रिटेन मैं इंग्लैंड में अपनी अपनी यात्रा अपने ट्रैवल के बारे में लिखना चाहता था आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन टेन मिनट्स वुड डू मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है चाहे दस मिनट का ही टाइम मिले हाफ एन आवर ही सेट फ्रॉम थ्री थर्टी टू फोर तो उसने कहा जो उसके असिस्टेंट से बात हो रही थी उसने कहा आधा घंटा साढ़े तीन से चार बजे तक एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर और अचानक से मुझे कमजोरी का एहसास हुआ ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक कहता है अगर आप ग्रोइंग अप डिसेबल्ड आप खुद ही डिसेबल्ड के रूप में बड़े हुए हो और आप उन लोगों से ऊब जाओगे बोर हो जाओगे जो आपको बहादुरी दिखाने के लिए कहते हैं जैसे कि उन्होंने साहस के नाम का हिम्मत के नाम का बैंक में कोई खाता खोल रखा है कोई अकाउंट खोल रखा है द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सींग समबड़ी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज कहता है जिस चीज़ से तो आपको शक्ति मिलती है वह है कि किसी अपने जैसे ही डिसेबल्ड आदमी से मिलना और जिसने बहुत सफलता हासिल कर रखी हो मींस लाइफ में बहुत कुछ उसने अचीव किया हो then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could तब आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी और कितना कुछ हासिल करना है और आप कितना सोचते थे क्या उससे ज़्यादा आगे आप निकल जाओगे I have not been brave said his डिस एम्बोडिड कम्प्यूटर वॉइस मैं बहादुर नहीं रहा हूँ उस अदृश्य उस कंप्यूटर आवाज़ ने अगली दोपहर कहा द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस तो मेरे पास कोई चॉइस कोई ऑप्शन नहीं था श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस इंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस मैं ज़रूर ये कहना चाहता था कि उसके विघटित हो रहे मीन्स डिस इंटीग्रेटिड जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है मीन्स कि उसकी जो सेंसेस हैं वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चलती हैं तो ऐसे शरीर के साथ कौन कोई क्रिएटिव जीवन क्रिएटिव लाइफ जी सकता था देअर ही वॉज़ टैपिंग एट द लिटल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कम्प्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ़्ट टू हिम पर मैं शांत रहा क्योंकि जब भी मैं उसे कोई उत्तर देने के लिए मजबूर करता था तो मैं खुद को अपराध ही महसूस करता था वह अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए विद ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ़्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स अपनी लंबी पीली उंगलियों की हेल्प से अपने शरीर में बची नाम मात्र की जो शक्ति थी उससे शब्द ढूंढने की कोशिश करता था एवरी सो ऑफन हिज आइज़ वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सोशन बार बार उसकी आंखें निराशा थकान से बंद हो जाती थीं एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज the द माइंड with thoughts that दैट केम आउट इन फ्रोजन and एंड stiff एज corpses और उसके सामने बैठे हुए मैं उसके दर्द को महसूस कर सकता था उसका दिमाग जो विचारों से भरा पड़ा था वो विचार बर्फ जैसे शब्दों और कारपस मीन्स डेड बॉडी जैसे कठोर सेंटेंस के रूप में बाहर आते थे अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिस पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं डिसेबल्ड पीपल जो दिव्यांग लोग होते हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं आई सेड आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ मैंने कहा मैं जानता हूँ कि यह सच नहीं है आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड क्या तुम अपने अंदर हमेशा हंसते रहते हो अबाउट थ्री मिनट्स लेटर ही रिस्पोंडिड आई फाइंड इट अम्यूजिंग वन पीपल पैट्रोनाइज़ मी तो उसने लगभग तीन मिनट के बाद उसने उत्तर दिया मुझे बहुत ही अम्यूजिंग रोचक लगता है इंटरेस्टिंग लगता है जब लोग मेरा उत्साह बढ़ाते हैं एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग और क्या तब आपको गुस्सा आता है When someone लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क क्या तब आपको गुस्सा आता है जब कोई भी मेरे जैसा आदमी आकर आपके काम में रुकावट डालता है आपको डिस्टर्ब करता है द आंसर फ्लैश्ड यस तो एकदम से आंसर मिला हाँ देन ही स्माइल्ड हिज़ वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बींग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज़ लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड तब वह एक तरफ़ा मुस्कराया और मैं जानता था बिना भावुक हुए और मूर्खता दिखाए कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर आदमी की ओर देख रहा था <coughs>

मैंने बहुत सी मैगज़ीन्स में या न्यूज़पेपर में छपी हुई उसकी थ्री डायमेंशनल जो छपी हुई जो उसकी फ़ोटोज़ होती हैं वो सब थ्री डायमेंशनल हो गई हूँ